हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप होंगे बहुत ही बढ़िया। मैं इस चैनल का होस्ट, आप लोगों का दोस्त अंकित, आप लोगों का इस वीडियो और इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि एक अच्छा तैराक ही समुद्र का असली मजा ले सकता है। यदि आपको तैरना नहीं आता तो फिर आप समुद्र में मजा लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे समुद्र के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ तैराकी न जानने वाले भी तैर सकते हैं और समुद्र का लुत्फ उठा सकते हैं। खास बात यह है कि इस समुद्र में आप चाहकर भी डूब नहीं सकते। दोस्तों, वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, ये समुद्र जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है और इसे डेड सी यानी कि मृत सागर के नाम से जाना जाता है। यह समुद्र दुनिया की सबसे गहरी खारे पानी की झील के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि इस समुद्र के पानी में उछाल तो आता है लेकिन नमक के दबाव के कारण कोई इसमें डूब नहीं सकता। इस वजह से यहाँ हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। दरअसल डेड सी समुद्र तल से करीब 1388 फीट नीचे पृथ्वी के सबसे निचले बिंदु पर है। साथ ही यह समुद्र करीब 3 लाख वर्ष पुराना है। इस समुद्र की डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि इसमें पानी का बहाव नीचे से ऊपर की ओर है और यही कारण है कि इस समुद्र में सीधे लेट जाने पर आप इसमें डूब नहीं सकते। दोस्तों, इस समुद्र को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी जलीय जीव नहीं पाए जाते। इसका पानी इतना खारा है कि न तो इसमें कोई जीव पनप पाते हैं और न ही कोई पौधे। नॉर्मल पानी की तुलना में मृत सागर के पानी में ब्रोमीन 20%, मैग्नीशियम 50% और आयोडीन 10% पाए जाते हैं। इसके अलावा जिंक, सल्फर, कैल्शियम जैसे मिनरल साल्ट भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से निकलने वाले नमक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मृत सागर पृथ्वी पर पानी के सबसे खारे जगहों में से एक है। इसका पानी साधारण समुद्री पानी की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक नमकीन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जॉर्डन नदी की एक मुख्य सहायक नदी से पानी मृत सागर में आता है। इसके बाद उसके पास झील से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए उसे वाष्पित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत सागर का पानी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसलिए पूरे विश्व के सैलानी यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। इसके साथ ही मृत सागर में मिलने वाली मिट्टी का इस्तेमाल भी बहुत फायदेमंद होता है। इसकी मिट्टी का इस्तेमाल कई कंपनियां अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं। दोस्तों, मृत सागर की इन्हीं खूबियों की वजह से इसे 2007 में विश्व के 7 अजूबों की सूची में शामिल किया गया, परंतु इसके पक्ष में ज्यादा वोट नहीं मिल पाने से इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों, डेड सी यानी कि मृत सागर के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।